हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लोके क्लासेज। तो फ्रेंड, अपन आज बात करेंगे जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर है उसकी जो 28 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। फुल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके पूरे यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आते हैं पूरे 100 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। वो भी एक्यूरेट, ऐसे नहीं है कि गैस पेपर ओनली, पूरा एक्यूरेट जो क्वेश्चन पेपर आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल फ्रेंड बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये जी से भी नीचे आप इसको मान सकते हो। मैं आपको आगे अभी शेयर करता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 5 तो मुहावरे पूछे गए हैं, मुहावरे हिंदी के अंदर, वेरी इजी जी, ठीक है। जो छोटे बच्चों से आँखों का त्यार होना, ठीक है, ऐसे बहुत ही इजी जी मुहावरे आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। उसके अलावा 4 क्वेश्चन वाच्य के पूछे गए हैं फ्रेंड। मैंने आपको कल 2-3 दिन पहले एक वाच्य और क्रिया का एक टॉपिक प्रोवाइड कराया था, ठीक है। सेम टू सेम उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन वाच्य के पूछे गए हैं, कर्मवाच्य के, और एक अकर्मवाच्य को चेंज करना था वापस, एक था भाववाच्य का, ठीक है। इस प्रकार 4 क्वेश्चन किसके थे, वाच्य के। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन थे पैसेज का, हिंदी में बात करें तो गद्यांश नहीं होता है, वो दे रखा था एक, उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन वहाँ पर उसके आंसर आपको देने थे, ठीक है। उसके अलावा बात करें और पैसेज भी वो था जो नदी वाला एक अपन ने शायद 7th या 8th क्लास के अंदर है ना, जो एक लड़का होता है नदी के पास से जा रहा है, ठीक है, एक लड़का उसके अंदर डूब जाता है तो उसको बचाने के लिए उसके अंदर वो कूद जाता है ना, वो वाला यहाँ पर पैसेज था। उसके अंदर 5 क्वेश्चन उसके थे। उसके अलावा 5 क्वेश्चन थे विलोम शब्द के, विलोम शब्द के, ठीक है, वियोग का बुझ रखा था। उसके अलावा 1 वर्ड थे, एक कुख्यात का बुझ रखा था, ठीक है। उसके अलावा 5 पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है, एक तो कपड़े का बुझ रखा था चीर। उसके अलावा एक सूर्य का पूछ रखा था। इस प्रकार 5 पर्यायवाची पूछ रखे थे और 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे फ्रेंड्स जो पेशी वॉइस होता है, अपना पेशी वॉइस होता है उसके हिंदी में, हिंदी टाइप उसके अंदर पूछ रखा था डायरेक्ट, सॉरी पेशी वॉइस नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट होता है उसके 2 क्वेश्चन इसके पूछ रखे थे, ठीक है। तो 5, 4, 9 इस प्रकार ये जो हिंदी आपकी यहाँ पर 30 नंबर की पूछी जा रही है, वेरी इजी, ठीक है। इसके अंदर आप 20 प्लस तो नॉर्मली कर सकता, जो नॉर्मल बच्चा वो 20 प्लस यहाँ पर स्कोर कर सकता, ठीक है। ये हो गया हिंदी का। उसके बाद हम बात करते हैं अपन इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंग्लिश की बात करें तो अपन इंग्लिश आपके यहाँ पर 10 नंबर की आई थी, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंग्लिश के अंदर पूछा गए थे, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन थे किसके थे, वॉइस के, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके अंदर ओनली टेंस चेंज करने वाला था, एक में तो दे रखा था जो पास्ट सिंपल दे रखा था, ठीक है, उसको चेंज करके आपको एक तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था, नहीं सॉरी, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस था, एक था, एक इसका ऑपोजिट यहाँ पर पूछ रखा था, ठीक है। एक इसके अंदर जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, उसका पूछ रखा था। उसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन थे पी क्यू आर एस वाले, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले होते हैं ना, आपको यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, उसके अंदर आपको अरेंजमेंट करके बताना है कौन सा पहले आएगा, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद 3 से 4 यहाँ पर इसके क्वेश्चन थे।
उसके अलावा फ्रेंड दो क्वेश्चन वन वर्ड के थे, ठीक है, और दो क्वेश्चन टेंस के थे। यहाँ पर इस प्रकार के कितने इंग्लिश का पोर्शन कितना था, यहाँ पर 10 नंबर का इंग्लिश का यहाँ पर पोर्शन आपसे पूछा गया था। उसके बाद में फ्रेंड बात करते हैं अपन, और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो अपन 1 जनवरी से क्या कर रहे हैं अपन न्यू ईयर फोर्स के लिए डेली इंग्लिश की, ठीक है, जो 1/1/2019 से आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं अपन जो न्यू ईयर फोर्स स्पेशल इंग्लिश की क्लास डेली, ठीक है। उसके अलावा डेली करंट अफेयर अभी आ रहा है, तो आप रोज़ डेली करंट अफेयर देख सकते हो। उसके अलावा वीकली जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट व्यवस्था, ठीक है, वीकली आपको एक प्रैक्टिस सेट न्यू एयरफोर्स के यहाँ पर सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। उसके तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। उसके बाद में फ्रेंड बात करते हैं अपन इसके अंदर मैथ की, और एक क्वेश्चन एग्जिट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं आपको जब आंसर की आएगी तो आप मेरे से जुड़े रहना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा दूंगा आंसर की में कि ये मैंने आपको उस दिन बताए थे और ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो मैथ का यहाँ पर 15 नंबर का पोर्शन था, इसके अंदर एक तो आपको मिश्र अनुपात का पूछा गया था जो MDH वाले सूत्र से निकलता है ना, ठीक है, बराबर M2 D2 और S2। यहाँ पर आपको घंटे पूछे थे, S2 का मान पूछा था और ये सभी इसका मान दिया गया, वेरी इजी मैथ भी बिल्कुल ही इजी पूछा गया था, ठीक है, लो से भी लो लेवल का। उसके अलावा दो क्वेश्चन थे समय कार्य मजदूरी के, समय कार्य मजदूरी के ये थे, जैसे एक क्वेश्चन तो था राम और मोहन करता है, फिर मोहन प्लस सोहन करता है, फिर सोहन प्लस राम करता है, तो ये आराम से हो जाएगा 2+R+M+S, ठीक है, उधर उनके कामों का ऐड कर देंगे, इसका 2 का उधर भाग देते हैं तो तीनों का काम यहाँ पर आ जाता है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन था, एक दूसरी प्रकार का क्वेश्चन था समयकारी मजदूरी के अंदर, दो उसके हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये भी आपने बुझे गया था, आपको दे रखा था 2 सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, ठीक है, गुणनफल दे रखा था, और जो सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपको मान ज्ञात करना था, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था 1 से 23 संख्याओं के प्राकृतिक, 1 से 23 प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग का औसत आपको यहाँ पर ज्ञात करना था फ्रेंड, औसत ज्ञात करना था, ठीक है। तो n cos n + 1 2n + 1/6, ठीक है, वर्गों का दिया हो जाएगा, संख्या दी होती तो n cos n + 1/2 जाता, घन का होता तो n cos n + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर योगफल न ज्ञात करके क्वेश्चन पूरा पढ़ना था, ठीक है, तो वर्गों का योगफल न ज्ञात करते हुए आपको उसके साथ उसका औसत भी यहाँ पर ज्ञात करना था। उसके अलावा एक औसत का क्वेश्चन था, ठीक है, 5 संख्या दे रखी थी, 5 संख्या को औसत दे रखा था, पहली 2 का दे रखा था और लास्ट 2 की दे रखा था, और तीसरी संख्या का आपको औसत याद करना, तो वेरी इजी आपको इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका था, जैसे 2/3 किसी संख्या का 2/3 उसके 5/8 का कितना परसेंट है, इस टाइप का वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन थे लाभ हानि के, परसेंटेज का यही था, एक लाभ हानि के 2 क्वेश्चन थे, जैसे किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे रखा था, अगर वो मतलब इतने 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचे गए, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो भी इतने हार्ड थे नहीं। उसके अलावा जो 3 से 4 क्वेश्चन थे फ्रेंड वो थे बोर्ड मास पे, ठीक है, बोर्ड मास पे, ठीक है, बिल्कुल ईजी जी, कुछ दशमलव वाले थे, कुछ बार कोड वाले थे, ऐसे सरलीकरण के थे, वो भी ईजी क्वेश्चन थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 1:3 है, ठीक है, अंत्यकोणों का योग, अंत्यकोणों का अनुपात दिया हुआ था, तो आपको पता कितना होता है, 180 होता है,
इसको एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 30, ठीक है। सबसे बड़े कोण का मान पूछा था तो 30 आ गया, तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़े कोण का मान 90, छोटे का पूछता तो 30, और इसका कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी, ये भी आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर जो मैथ के आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अलावा फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है जर्नल साइंस, ठीक है। मैं तो यार मैं आप यहाँ पर आपको 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसकी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साइंस के भी यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फ्रेंड चार तो सीधा सीधा जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, खोजकर्ता वाला, ठीक है, ट्रिक से। तो चार क्वेश्चन तो यहाँ पर खोजकर्ता के पूछे गए थे, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको जिस दिन आंसर किसकी आएगी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो जिन भी फ्रेंड का अभी तक पेपर नहीं हुआ तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसके अलावा हिंदी वाला वीडियो भी देख के जरूर जाना, आपको बेनिफिट जरूर होगा। नए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके जरूर बता देना कि सर आपको वहाँ से आया नहीं, ठीक है। चार को किस किस के पूछे गए थे, एक तो रिवॉल्वर का पूछा गया था, कोल्ट है मैंने आपको ट्रिक से करा रखा है। उसके अलावा साइकिल का था, साइकिल का पता मैं कि मिलन है उसका, सबका मैंने ट्रिक से आपको एक बार आपको सिर्फ वीडियो देखना है, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी फनी ट्रिक मैंने वहाँ पर बना रखी। उसके अलावा था डायनामाइट का, तो अल्फ्रेड नोबल हो गया। उसके अलावा जो इंजन था उसका स्टीफेंस हो गया, ठीक है। ये चार तो यहाँ पर खोज करता था साइंस के अंदर। उसके अलावा था एक जो झिल्ली के चारों तरफ द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोसिन हो जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन थे आपके अमलीय, सेकंड ऑप्शन था क्षारीय, थर्ड ऑप्शन था तटस्थ, और फोर्थ ऑप्शन था उपरोक्त सभी, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अलावा दो तीन यहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन थे फ्रेंड, थोड़े अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। इस प्रकार जो 15 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के थे। उसके बाद हम बात करते हैं अपन राजस्थान जीके की, ठीक है। राजस्थान जीके के किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो लास्ट में अपन फिर अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान जीके की बात करें तो अपन फ्रेंड राजस्थान जीके का यहाँ पर पैटर्न था, जो वेटेज था वो था 30 नंबर का, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग अलग आपको बता देता हूँ, हिंदी का कितना था 30 नंबर का, ठीक है। राजस्थान जीके का है 30 नंबर का, साइंस 15 नंबर की थी, मैथ 15 नंबर का था, इंग्लिश 10 नंबर की थी, ठीक है। इस प्रकार कितने हो जाएंगे, 100 के नंबर के यहाँ पर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान जीके की बात करें तो एक तो आपको यहाँ पर पूछा गया था, जो वैसे कर लेते हैं इसमें लिखने की क्या जरूरत है, तो अपना राजस्थान बोर्ड का मुख्य जो एजुकेशन बोर्ड है वो कहाँ पर है, तो अजमेर। उसके अलावा क्षेत्रफल का पूछा था, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। उसके अलावा तो क्षेत्रफल आपको पता है 10.41 है। उसके अलावा डोल नृत्य आपको पता है जालौर का है। गुलाब वो कहाँ की है, तो आपको पता है जो कालबेलिया नृत्य उसकी जो सुपर नृत्यांगना उसको गुलाबोबाई है। उसके अलावा रिको की फुल फॉर्म थी इंडस्ट्रियल एरिया में है ये। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था एकीकरण का, ठीक है। उसके अंदर आपको 4 संधि हुई थी, ठीक है। उसके अंदर मिसमैच बताना था कि कौन सा एकीकरण से संबंधित नहीं रखता। उसके अलावा जो जॉर्ज थॉम्स हैं उन्होंने सबसे पहले राजस्थान का नाम क्या दिया, आपको पता है राजपुताना दिया था। उसके अलावा ग्रीष्मकालीन रिसोर्स कहाँ पर है, तो आपको पता उदयपुर के अंदर है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन थे यहाँ पर इतने। उसके अलावा जो अंजना खान है, ठीक है, जो कॉपर की अंजना खान है, आपको पता कहाँ पर है, वो है सलोमबर उदयपुर के अंदर है, एक ही क्वेश्चन था। उसके अलावा बात करें एक था आपका राजस्थान के क्षेत्र कितनी बाघ परियोजना है, तो आपको पता है 3 ही है, राष्ट्रीय उद्यान अपने कितने हैं, 3 है राजस्थान के अंदर, तो बाघ परियोजना भी 3 है, ठीक है। दर्रा मुकंदरा सरिस्का में है और उसके अलावा एक क्वेश्चन था जो दर्रा मुकंदरा अभ्यारण है, इसका दर्रा का दूसरा नाम बोल कर रखा, तो मुकंदरा कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान
ठीक है। उसके अलावा था मिर्जा बांध, तो मिर्जा बांध आपको पता मंडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के ऊपर स्थित है, तो नदी इसके अंदर पूछी थी कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर पूछा था बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है, आपको पता है टोंक के अंदर है। उसके अलावा ये एक ये क्वेश्चन था कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है, सबसे आपको पता है सबसे बड़ी लंबी नदी तो चंबल है फ्रेंड, और पूर्णतः भाव की दृष्टि से बनास है। लेकिन आप पर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो चंबल तो आपको बताया MP से आती है, इसका तो 185 ही है अपने यहाँ, और जो बनास है, ठीक है, बनास के 480 किलोमीटर लंबी है, और ये पूर्णतः अपनी यहाँ पर राजस्थान के अंदर ही बहती है। एक ही क्वेश्चन था। उसके अलावा ये जो मुनिव्यापी कला है किसके शासनकाल में आए, तो रायसिंह हो जाता है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। उसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने वाली संस्था बुझी थी, आपको बता RTDC है, ठीक है। उसके अलावा करंट का एक ही क्वेश्चन था, 2016-17 के अंदर वसुंधरा राज्य को किस चीज़ के मतलब अधिक उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया, तो आपको पता गेहूँ के उत्पादन के लिए वसुंधरा राजे जी को जो कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था आपको किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो राजेंद्र राठौड़ आ जाएगा यहाँ पर, शूटिंग के अंदर था आपको पता ही है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन थे जो राजस्थान में मरुस्थल विकास किसकी सहायता से, जो मरुस्थल का विकास किया जा रहा है वो किसकी सहायता से किया जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर थे कृषि विभाग, वित्त विभाग, गृह मंत्रालय और ये सभी, ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा दाल क्लस्टर पूछा गया था आपको कौन से जिले के अंदर स्थित है, ठीक है, कोटा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको चेक कर लेना, दाल क्लस्टर का यहाँ पर कंफर्म नहीं है। उसके अलावा एक डिपो पूछा गया था आपको रेल के अंदर किसके अंदर नहीं, अंतरदेशीय। उसके अलावा ये पूछा गया था राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है इंडिया के अंदर, तो आपको पता पहला है, ठीक है। उसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड जो ओल्ड प्रशासनिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन वो थे। उसके अलावा तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर राजस्थान जीके के अंदर पूछे गए थे, ठीक है, तो इतना कोई इनका हाई लेवल है नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी, तो आपने भी यहाँ पर जो एनालिसिस पूरा यहाँ पर देखा है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड बात करें यहाँ पर सबसे पहले हिंदी की, तो 20 प्लस तो हर कोई ले आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान जीके की इसके अंदर भी 20 प्लस। उसके बाद में बात करें साइंस की, साइंस के अंदर भी 10 नंबर आराम से ले आएंगे, मैथ के अंदर 13 से 14 नंबर आराम से आ जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर, नहीं सॉरी 5 से 6 नंबर यहाँ पर इनके भी आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी जो कट ऑफ है जर्नल की, ठीक है, जर्नल की आपकी रहेगी 82-85, ठीक है। उसके अलावा OBC की बात करें, OBC की मिलेगी आपको 75 से लेकर 80 तक। SC ST की बात करें तो वो मिलेगी आपको 76 से लेकर 80 तक, ठीक है। तो इस प्रकार किसकी क्या है कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका पता जो पेपर का जो पैटर्न है इतना ही यहाँ पर था नहीं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके लिए अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं आया आई होप उनके लिए काफ़ी जो हेल्पफुल ये होने वाला है, ठीक है। तो जो ट्रिक वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, वो और जो हिंदी वाला है, ठीक है, एक बार फ्रेंड ये वीडियो आप देखकर जरूर जाना, आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपन जो 1 तारीख से अभी आपके लिए नई सीरीज शुरू की है नेव एयरफोर्स के लिए इंग्लिश की, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।